अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास पेज नंबर 59 अपना ओपन करें। आज आपकी रीडिंग का टॉपिक है फ्रिक्शन। क्लास फ्रिक्शन एक फोर्स है। जब दो चीज़ें आपस में अपने सामने सामने आती हैं, दो चीज़ें आपस में टकराती हैं, जिसके इफेक्ट में कोई भी मूवमेंट या तो स्लो हो जाए या तो स्टॉप हो जाए, क्लास दैट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लास हमने आज फ्रिक्शन की कुछ टाइप्स पढ़नी है, कुछ एग्जांपल पढ़नी है। हमारे सराउंडिंग में बहुत सी एग्जांपल फ्रिक्शन की मिलती हैं, तो क्लास फर्स्ट चलते हैं। क्लास आपके समझाने के लिए मैं आपको, आप सोचें कि आप एक स्मूथ सरफेस पे चल रहे हैं, ठीक है, एक स्लिपरी सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। आप वहाँ आहिस्ता से चल सकोगे आराम से और आप फिसल भी सकोगे, बिकॉज स्मूथ सरफेस हैव नॉट फ्रिक्शन, स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है। एज़ कम्पेयर टू अगर आप रफ सरफेस में चलते हो तो आपको बस फोर्स लगानी पड़ेगी और आप आहिस्ता आहिस्ता चलोगे, क्योंकि रफ सरफेस में फ्रिक्शन ज़्यादा है। क्लास फ्रिक्शन वो चीज़ है जो आपकी मूवमेंट को रोके। जब हम रफ सरफेस में चले तो हमारी मूवमेंट रुकी, दैट इज द फ्रिक्शन। क्लास आपकी एक नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रिक्शन की, कि आप एक क्रिकेट बॉल लो और क्रिकेट बॉल को रफ सरफेस में रोल आउट करो और एक बॉल को स्मूथ सरफेस में रोल आउट करो। क्लास सबसे पहले कौन सी बॉल रुकेगी? जो कि रफ सरफेस पे आपने रोल की, क्योंकि रफ सरफेस में क्या थी? फ्रिक्शन। दैट्स वाई द बॉल अर्लियर इन द रफ ग्राउंड। ओके क्लास, ये था आपका कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन एक फोर्स है जो कि आपकी मूवमेंट को रोकती है, और रफ सरफेस में फ्रिक्शन ज़्यादा है, स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन कम है। ओके फोर्थ क्लास, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 60, दैट इज द एयर रेजिस्टेंस। ओके क्लास, आप साथ अपनी बुक भी खोलें और मेरी कॉन्सेप्ट भी सुने। ओके क्लास, एयर रेजिस्टेंस आना है। क्लास एयर रेजिस्टेंस क्या है? एयर रेजिस्टेंस से मुराद एयर की रुकावट। जो कोई भी रुकावट किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को, कोई कोई चीज़ मूवमेंट कर रही है, कोई चीज़ हिल रही है, कोई चीज़ कहीं से कहीं जा रही है, उसको एयर जो रोक रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज एयर रेजिस्टेंस। क्लास जैसे कि जब भी अगर आप बाईसाइकिल पे बैठते हो, आप साइकिल पे बैठते हो और साइकिल चल रही होती है, तो आपको सामने से एक हवा महसूस हो रही है, हवा का दबाव महसूस हो रहा होता है, जो कि आपकी स्पीड को कम कर देता है। क्लास दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एयर रेजिस्टेंस। क्लास नेक्स्ट आपकी एग्जांपल है आपकी बुक में पैराशूट। क्लास जब पैराशूट में हम हवा में जाते हैं, तो क्लास पैराशूट जो होता है वो चलता ही एयर रेजिस्टेंस पे है, क्योंकि जब हमें लैंड करना होता है तो हम उसको ऐसे नीचे पुश करते हैं, तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से पैराशूट लैंड कर जाता है। इट इज़ द एग्जांपल ऑफ एयर रेजिस्टेंस। एयर उसको रोकती है और उसकी मूवमेंट को रोकती है, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ एयर रेजिस्टेंस। क्लास योर नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर रेजिस्टेंस। क्लास वाटर रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस कहते हैं रुकावट को, जो रुकावट हमें वाटर में महसूस होगी, दैट इज़ द वाटर रेजिस्टेंस। क्लास कभी आप पूल में, कभी आप स्विमिंग पूल में चले हो, स्विमिंग पूल में जब हम चलते हैं ना, तो हमें अपना, जब हम चल रहे होते हैं तो हमें अपना दूसरा जो स्टेप होता है वो बहुत मुश्किल से उठाना पड़ता है, क्योंकि वाटर हमारी मूवमेंट को रोक रहा होता है। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वाटर रेजिस्टेंस। क्लास ये आपकी रीडिंग पेज नंबर 60 तक हो चुकी है, ठीक है। क्लास आपने रीडिंग करनी है और अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं। ओके, थैंक यू।